हेलो एवरीवन, आइए आगे बात करते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस के बारे में। अगर हमारे पास एक वेरिएबल हो जो कि मीट्रिक हो, तो जैसे एमपीजी पे मैं काम करता हूँ, डाटा डॉट एमपीजी, तो इससे पूरा एमपीजी आ जाएगा यहाँ पे लिखने से, डाटा डॉट एमपीजी से। इसका मुझे चाहिए मीन, तो मैं लिखता हूँ डॉट मीन, इसका मीन आ जाएगा। प्री मीन तो बहुत ही लंबा आ रहा है, तो इसको 2 डेसिमल प्लेस तक कर लें, राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो आप देख रहे हैं इसका सिंटेक्स क्या है, डाटा जिसके अंदर मीन है, जिसके अंदर एमपीजी है, उसका मीन निकालो और उसको 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दो। अब अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, अगर मैं इसकी जगह कर देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन एसटीडी, तो ये ओवरराइट कर देगा पहले वाले को। अच्छा क्या हुआ इसको, इसने कहा कि ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट मीन। ओके, एमपीजी को नहीं चेंज करना था, इसको चेंज करना था एसटीडी। ये एरर्स अच्छे हैं, इससे हमें काफ़ी सीखने को मिलता है, नीचे भी पढ़ना भी आना चाहिए। अच्छा आप ये कहें कि नहीं मुझे तो वो भी देखना है, ये सिंटेक्स समझ गया ना, डाटा उसके अंदर एमपीजी वेरिएबल है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, उसको 2 डेसिमल प्लेस तक कर दो। और अगर पिछले वाला भी देखना है तो प्रिंट होती थी कमांड हमारी, तो प्रिंट और इसके आगे भी प्रिंट लगा लेते हैं, कॉपी, यहाँ भी प्रिंट, तो अब ये दोनों दिखाएगा। पर ये कैसे पता लगेगा कि मीन कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट में एक इन्वर्टेड कॉमा में दे देते हैं, मीन इज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ लिख देते हैं stdev इज कॉमा, तो अब देखें stdev मीन इज दिस हो गया। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो आगे लिखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट है हम वेरिएंस निकालना चाह रहे हैं, तो चेंज कहाँ करेंगे, वो तो वही रहेगा यहाँ पे, डाटा तो एमपीजी भी सेम रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा VAR वेरिएंस। बड़ा इंट्यूटिव सा है ना नाम, मतलब याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा मिनिमम मैक्सिमम निकालने हो तो सबसे पहले तो यहाँ पे चेंज करें मिन इज, और यहाँ एसटीडी की जगह कर दें मिन, तो मिन आ गया। मैक्सिमम को देखना है तो एक तो यहाँ चेंज कर दें मैक्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह यहाँ लिख लेते हैं मैक्स। ओके, मीडियन, मीडियन का मीडियन, तो इतना ही है। तो बताइए कुछ आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा है क्या, कुछ रॉकेट साइंस है? हाँ टाइप करना पड़ रहा है, पर हम तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इतना तो एक्सेल में भी करना पड़ता था। आगे आगे जैसे चलेंगे तो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा ये। अभी आपको लग रहा होगा ना मीन के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, ये तो एक टू बिगिन विद है, लेकिन आगे जब देखेंगे तो ये और पावरफुल हो जाएगा। अच्छा इसके और भी चीज़ें, जैसे हम प्लॉट वगैरह चेक करना चाहें तो वो कैसे करेंगे हम प्लॉट को, तो आइए यहाँ लिख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ विजुअलाइजेशन, कमेंट कैसे बनाते थे, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। तो मैंने यहाँ पे लिखा डाटा जिसके अंदर एमपीजी है उसका हिस्टोग्राम, देखो ऐसी कोई कमांड है क्या, हिस्ट बिल्कुल है कमांड, तो उसका हिस्टोग्राम बना दो, तो मैं उसे देख लूंगा नॉर्मेलिटी है क्या, नॉर्मेलिटी है लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। ओके, तो इसके लिए अगर हम कोई टेस्ट लगाना चाहें तो यहाँ पे टेस्ट होता है शपीरो, तो शपीरो टेस्ट है, बिल्कुल दिख रहे हैं टेस्ट, और ये बोल रहा है इसके अंदर लिखो। अच्छा देखिए कुछ चीज़ तो हम डॉट करके लिखते हैं और कुछ ऐसे करके देखते हैं, शपीरो डाटा डॉट एमपीजी, तो ये शपीरो की वैल्यू आ गई, शपीरो स्टेटिस्टिक्स 0.94, पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.12। अब यहाँ एक दो फॉर्मेट है, अब एक बार देखने की कोशिश करें, मैं हिस्टोग्राम को 1 मिनट के लिए बोलता हूँ कि भाई तुम थोड़ा चुप कर जाओ। देखो शपीरो जब रन किया, ये बड़ा अजीब सा आ रहा है ना आउटपुट, और ये आपने ध्यान दिया स्टेटिस्टिक्स दिस पी वैल्यू दिस। अब यहाँ एक यूनिक चीज़ है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, स्टेटिस्टिक्स यहाँ लिखा कॉमा, जो पी वैल्यू है इसको स्टेटिस्टिक्स के बाद लिखा इक्वल टू। इससे क्या होगा, दोनों जो वैल्यू हैं, देखा आपने स्टेटिस्टिक्स नया बन गया, पी वैल्यू नया बन गया, तो ये बाकी सब वेरिएबल में, सब प्रोग्राम में कहता है आप एक ही चीज लिखते हो, आर में एक लिखते थे डॉलर करके उठाते थे, पर अब आप देखोगे स्टेटिस्टिक्स करोगे तो ये स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू आ जाएगी इतनी, और इसको राउंड ऑफ कैसे करें, तो करें यहाँ पे इज इक्वल टू राउंड 2 डेसिमल प्लेस, मोस्ट लाइकली ये काम नहीं करेगा, एरर देना चाहिए इसे, एरर दे रहा है, फ्लोट ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट। अच्छा अगर ये फिर ऐसे काम नहीं करेगा, फिर हम इसको बोलते हैं दूसरे तरीके से, जैसे एक्सेल वाला तरीका था, इसको 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दें, ऐसे देखें तो ऐसे काम ये कर जाता है स्टेटिस्टिक्स। और अगर पी वैल्यू लिखना है तो आपको पता है इसके आगे लिखना पड़ेगा मुझे प्रिंट,
एक मुझे लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा में, क्या चीज है ये? स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स इज किसकी? शपीरो की, शपीरो वैल्यू या शपीरो स्टैटिस्टिक्स कुछ भी हम ऐसे लिख सकते हैं इज, और यहां देता हूं मैं इन्वर्टेड कॉमा और क्लोज, इसका प्रिंट दे, देखो लिखाना चाहिए स्पेरो स्टैटिस्टिक्स इज। अच्छा क्या गड़बड़ हुई? कुछ ब्रैकेट की गड़बड़ हुई होंगी, और तो क्या इसमें गड़बड़ होनी है। हाँ ब्रैकेट की, एक तो यहाँ बता रहा है ये राउंड, देखिए कोई और ब्रैकेट में गड़बड़ है क्या? इसने क्या बताई थी? अच्छा प्रिंट की स्पेलिंग, ओहो इतना तो समझना चाहिए ना इसको पाइथन को कि वही अल्फाबेट है तो ऑटो करेक्ट कर ले। अच्छा और पी वैल्यू क्या है इसकी? शपीरो पी वैल्यू इज, तो इसका नाम ऊपर देख रहे हैं, जब पी वैल्यू है ना तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे पी वैल्यू ही लिखना पड़ेगा। तो शपीरो ने बताया कि 0.95, अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 हो, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है, नॉर्मेलिटी के सारे पे यही काम करते हैं। तो विजुअलाइजेशन से भी हमने देख लिया, तो ये विजुअलाइजेशन है, और इससे पहले हम लिख सकते हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? नॉर्मेलिटी चेकिंग कर रहे हैं, नॉर्मेलिटी चेकिंग। ओके मेरा सेकेंडरी अल्फाबेट बड़ा यूज होता है, विजुअलाइजेशन, और ये है यूजिंग एनी स्टैटिस्टिकल टेस्ट, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ये भी हो गया हमारा। तो यूनिवेरिएट के अंदर और भी चीज़ें जो हम निकालते हैं, आगे देखते हैं उन्हें। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।